हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अशरफ साहब बात कर रहे हैं? मेरी जान, लगता है आप मुल्तान से बोल रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। कैसे अल्लाहु हो वैसे आप? अकबर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से। क्या हाल है ऑस्ट्रेलिया? कौन से, सिडनी से बोल रहे हैं या किसी और जगह से? डॉक्टर साहब मैं मेलबर्न में होता हूँ। अच्छा, मेलबर्न में है। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? पाकिस्तान से कहां से हैं? पाकिस्तान से, रावलपिंडी से। अच्छा, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो मैं आपकी तबीयत में, आपका बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर हूँ, बहुत देखता रहता हूँ आपकी वीडियोस और सुनता रहता हूँ। मुझे कुछ जानवरों का शौक है, इस वजह से तो हाँ जी, माशाल्लाह। बहरहाल हाँ जी, इत्तेफाक है कि ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, मेलबर्न में होता हूँ मैं। तो हाँ जी, बहरहाल वालिद साहब उधर होते हैं, हाँ, वो किधर हैं? पिंडी में ही वही है। अच्छा, रावलपिंडी में होते हैं। ये हमारे गांव है रवाड़ से आगे चकबेली खान रोड पे, चकबेली कौन सा गांव है? मेरा मोड़ा। अच्छा, मेरा मोड़ा से है। अच्छा, उसी उधर मेरा प्लाट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चकबेली रोड पे ना वो? अच्छा हाँ, उधर हमारा कहाँ पे पी डॉक्टर साहब? उधर साथ ही यार, वो हमारी पीआरसी हाउसिंग सोसाइटी है, बिल्कुल रवात वो मोड़ के साथ ही, मोड़ राइट के साइड पे। साथ ही है, राइट साइड पे। ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल हमारी बिल्कुल मेरी पीआरसी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें मेरा एक आध प्लाट है, बच्चों के लिए भी है, लिए हुए हैं, बेटियों का, बेटा का, ऐसे इस तरह ही। तो मैंने कहा चलो यार, तो अल्लाह ताला अपने बरकत फरमाए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला वाह, तो चकबेली अल्लाह रोड ताला को बरकत अता फरमाए। हाँ जी, फरमाएं, क्या पूछना क्या चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अब काफी दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक तो ओवरसीज पे टाइम का डिफरेंस पे जो है ना, आपका फोन कंटिन्यूस बिजी हाँ, मिलता है। हमारे उधर ये वालिद साहब ने भी जानवर रखे हुए हैं, मेरे कजन है उन्होंने भी रखे हुए हैं। तो मैं जो है ना, वो मेरे से मशवरा करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं तो डॉक्टर साहब की वीडियो देखता हूँ। तो हाँ जी, वो फिर ना, एक हमारे पास गाय है डॉक्टर साहब, तकरीबन उसको 1.5 महीना हो गया बच्चा दिए हुए उसने ना। ठीक, जी, उसका बच्चा जो है वो मर गया था। ओहो, ठीक, अच्छा हाँ पहले तो बच्चा मर गया, वो तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी चीज है, वो तो चलती रही, अभी भी चल रही है, दूध दे रही थी। आप उसकी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कह लें कि उसके थन में अब प्रॉब्लम हो गई, कोई पिछले थन में उसके एक जख्म आ गया है। अच्छा, तो वो मेरे कजन ही है, वो बता रहे थे कि कोई उधर लोकल वो जो डॉक्टर है उनके, उन्होंने एक ट्यूब दी है नियोलिंक भी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो जख्म उसके थन के अंदर है, और जो बिल्कुल जहां से दूध निकालते हैं उधर ही कोई ब्लैक सा निशान भी बना हुआ है। तो अच्छा, उसके लिए अब, वो पहले तकरीबन उसमें से 3 किलो दूध निकल आता था, फिर 1.5 किलो हो गया, और अब 1.5 किलो से अब इस वक्त उसका तकरीबन 3 पाव दूध निकल रहा है उस थन में से। ठीक। मेरी जान, इस तरह है कि अगर जो जख्म है उसके लिए एक स्प्रे लिख लें, टेराजेन प्लस। जेन टेराजेन प्लस, प्लस अच्छा ये स्प्रे होगा, टेराजेन प्लस स्प्रे। जी डॉक्टर साहब, अजान हो रही है असल में, मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आवाज आ रही है आपको? अल्लाह जी हल्की हल्की डॉक्टर साहब। अकबर। अच्छा मेरी जान, इस तरह है कि इसके लिए जो वाउंड्स वगैरह होते हैं या स्किन रैशेज हो जाएं, कोई ये एंटीबैक्टीरियल या पोटेंट, जब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो स्प्रेज हैं उनमें आ जाता है टेराजेन प्लस। जी डॉक्टर साहब, एक और होता है CTC स्प्रे। CTC स्प्रे,
और या एक और लिख लें, ऑक्सीकॉर्ट स्प्रे, OXY OXYCORT। QRP हाँ ऑक्सीकॉर्ट स्प्रे। ठीक हाँ ऑक्सीकॉर्ट स्प्रे। इन है सर। तीनों में से कोई भी मिल जाए, ये स्प्रे घर में हर जगह, जितने डेयरी फार्मर्स हैं, जो प्रोग्राम मेरा देखते हैं, देख रहे हैं, वो प्लीज ये तीनों में से कोई, टेराजन प्लस हमारा लोकल है, सस्ता मिल जाता है, सीटीसी, ये सारे होते साइक्लो टेट्रा साइक्लीन है, और ऑक्सीकॉर्ट ये भी आईसीआई वालों का है। तो ये स्प्रे ले आए रखें, जब भी कोई मसला हो वाउंड का या कोई इस तरह का, तो उसके ऊपर ट्वाइस अ डे ये स्प्रे कर दिया करें। डॉक्टर साहब, लेकिन जख्म उसके अंदर भी है वो बता रहे अंदर भी हैं। सुने ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका, चूंकि ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी हो जाता है, तो इसके लिए मेरी जान ये जख्म वाला एक सेफ सा दे रहा हूं, एमपी क्लॉक्स के का इंजेक्शन मिलेगा 100 ml का। एमपी क्लॉक्स हाँ, वायल मिलेगी 100 ml की, अच्छा जी, एमपी ठीक है। क्लॉक्स में 40 ml इसको पहले दिन लगा दें, ठीक है यानी सर। 40 का मकसद ये, मतलब ये है, उसको डिवाइड कर लेते हैं 20 गर्दन की एक साइड पे, 20 दूसरी साइड पे, ठीक है। डे 1 40, सेकंड डे 30, यानी 15 15 करके, दोनों साइडों पे 2020, ये पहले दिन लगाना है, 2020 गर्दन और की दोनों साइडों पर। ठीक दूसरे दिन 20 20 क्रिकेट भी होता है, दूसरे दिन 15 15। हो गया डॉक्टर साहब। आज वैसे बड़ा इत्तफाक है, हुस्ने इत्तफाक है कि आज 20 तारीख है और 2020 है, 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, अच्छा जी, ये 2020 पहले दिन, दूसरे दिन 15 15, 15 15, और तीसरे दिन फिर 15 15। ओके ठीक है डॉक्टर इससे साहब। ये होगा कि इसके अंदर जो कोई इन्फेक्शन है या कोई इस तरह की चीज है, और जितने भी, ये बड़ा जबरदस्त एक किस्म का ये इसका थन का इलाज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर और साहब, लेकिन शाबाशी। ये इस जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ये दूध कम कर जाती है, तो ठीक है उसके लिए मैं देसी एक चीज देता हूं, वो प्लीज आपने जरूर कर लेनी। जी 2 लीटर दूध में गाय का लेके, गाय है ना या भैंस है, गाय गाय, गाय तो सर। गाय का दूध 2 लीटर देख लेके उसमें 100 ग्राम डाल लें ये सफेद जीरा, वाइट क्यूमन, और उसमें 50 ग्राम डाल लें मीठा सोडा, ठीक है ठीक और उसमें डाल लें गार्लिक या लहसुन या थोम जिसको कहते हैं, ये 250 ग्राम, है। ये जो ताजा लहसुन होता है फ्रेश। फ्रेश जो मार्केट से मिलता है, फ्रेश ही जी हमारे जी पाकिस्तान में बहुत फ्रेश चीजें मिलती हैं। ठीक है, और इसको, इसकी खीर बना देनी है, और ये कोई 5 6 दिन रोजाना, ये एक दिन की खुराक है, और ये 5 6 दिन ये इसको देते रहेंगे, बेहतरीन, दूध भी कम नहीं करेगी, और वो इंजेक्शन जो टीकों का है उसका भी वो बेहतरीन रहेगा, अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूंगा कि आपकी गाय बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, दुआ और करिए मेरा बिल्कुल जो सर। आपके का की शिकायत है कि बड़ा बिजी रहता है, और वाकई था, और पहले मेरे पास जो मोबाइल था वो बड़ा थका हारा था बड़ा पुराना, तो मैंने कल मैंने नया एक, मेरे बेटे
अल्लाह ताला सलामत रखे इसको। ये छोटे ने इसको कहा तो वो एक अभी ले आया है मुझे रात कल का, और उसी पे मैं कॉल्स ले रहा हूँ। ये है वीवो Y20। माशा, तो इसकी एक तो आवाज बड़ी अच्छी है, दूसरा और मुझे सबसे फायदा ये है कि ये इसमें व्हाट्सएप पे आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा भी था आपको इसी वो तो नंबर सारे पे। गए ना, वो चूंकि वो दूसरे वाला मेरे पास जो थका वाला था उसको खुलता ही नहीं था, वो पता ही नहीं चलता था किधर गए व्हाट्सएप, किधर है क्या है। डॉक्टर, मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा। आज जो करेंगे ना और ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे ना अपना नाम और मेलबोर्न से, और जब आप ये कहें तो मैं मेरी जान हादर मैं उसको सेव कर लूंगा, और इंशाल्लाह ताला यू कैन कॉल एट एनी टाइम जब आपको फिजेबल हो, और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल लेके आपको जो भी मशवरा है वो आपको दूंगा। लेकिन थोड़ा सा जब नमाज का टाइम होता है मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है? अभी अजान हो गई है, वैसे भी मैं 11 बजे का लगा हुआ हूँ, आज 11 से थोड़ा अर्ली आ गया था, ये दो चार प्रोग्राम मैंने कहा यार एक नया नया मोबाइल है तो मैं इसको जरा टेस्ट भी कर लूँ कैसी इसकी है। तो आते ही इंडिया की कॉल आई, इंडियंस वो एक दो कॉल थी तो वो मैंने सेव की, इसी तरह दूसरे, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी आज पता चलेगा कैसे रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है ना? अच्छा और डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन एक एक्चुअली क्या है एक कि सेकंड, जो इसको अगर अदर देन टॉपिक है तो मैं वो लेता हूँ, इसको सेव कर लूँ, ठीक है?